अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह सबील अल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलबर्गा अपनी खिदमात अंजाम देता हुआ आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 8 से 9 ग्रुप मक्कतुल मुकर्रमा रवाना हो चुके हैं उमरह के लिए। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़्लो करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस खिदमात के लिए हमको कबूल फरमाया। अल्लाह इस हमारी खिदमात को बेहद कबूल फरमाए और मज़ीद और बेहतर से बेहतर इन खिदमात को करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इंडिगो और सऊदी एयरलाइंस एयर इंडिया भी फ़्लाइट्स हैं। ज़्यादातर हम लोग तरजीह सऊदी एयरलाइंस को दे रहे हैं और होटल भी हमारी मक्कतुल मुकर्रमा के बिल्कुल करीब 150 से 180 मीटर पर नदा अल ज़ियाफ़ा होटल है, जो मक्का मेरिडियन आपको मक्के से जो बाहर निकलेंगे W3C है, वहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो अजियाद रोड पर मक्का मेरिडियन है, उसके बिल्कुल बाजू में लगकर हमारी नदा अल ज़ियाफ़ा होटल है जो 150 से 180 मीटर पर है। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़ायरीन इकराम हमारे इस ट्रैवल से सफ़र कर चुके हैं, उम्रे की सआदत हासिल कर चुके हैं, बड़े मुतमईन और खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि होटल बहुत करीब है। चूँकि खाने पीने के अंदर अगर कुछ कमी अगर होती है तो लोग उसको बर्दाश्त कर ले सकते हैं, लेकिन होटल करीब रहने से लोग बड़े मुतमईन होते हैं। तो अल्लाह के फ़ज़ल करम से हमारी होटल बहुत करीब भी है। और दूसरी बात यह है कि अभी आज तो 16 नवंबर है, इंशाल्लाह 22 नवंबर में सऊदी एयरलाइन से ग्रुप जाने वाला है, जिसका हमने पैकेज सिर्फ 95,000 रखा है। इसके अंदर हमारे ट्रैवल से जाने पर एक ये खासियत और खुशियत ये भी है कि 4 उम्रे हम इसी पैकेज के अंदर हम कराते हैं। पहला उम्रा तो आपका जब हैदराबाद से जिद्दा पहुँचते हैं, मक्का को पहुँचते एक उम्रा हो जाता है। दूसरा उम्रा हम जब ज़ियारत कराते हैं तो उसमें मस्जिद जौराना से आप उम्रा अहराम बांध कर वहाँ से उम्रा कर सकते हैं। तीसरा उम्रा ताइफ़ से कराते हैं और चौथा उम्रा मस्जिद आयशा से कराते हैं। इसी पैकेज के अंदर हमारे ज़ायरीन इकराम वहाँ पर एक रियाल भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी पैकेज के अंदर हम 4 उम्रे कराते हैं। ये फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हम दे रहे हैं इसको। और मज़ीद जो जैसा इंडिगो है, इनसे इंडिगो से जाने वाला अहबाब के लिए हम 80,000 पैकेज रखे हैं, सिर्फ 80,000 का है। चूँकि फ़्लाइट इंडिगो है और होटल चूँकि 500 से 600 मीटर होटल दूर रहती है, तो जितना होटल दूर रहेगी और फ़्लाइट के हिसाब से ये पैकेजेस रहते हैं। चूँकि सऊदी एयरलाइंस चूँकि अच्छी सी फैसिलिटी है उसके अंदर, और चूँकि 46 kg आप कॉलो है सऊदी एयरलाइंस के, इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इसका पैकेज हम 1 लाख और 1,05,000 तक 95,000 तक कम रखे हैं। और होटल बिल्कुल करीब है, सऊदी एयरलाइंस से जो भी जाएंगे उनकी होटल बहुत करीब रहेगी, जो बस 150-180 मीटर पर होटल रहेगी इंशाल्लाह। 95,000 का चूँकि ये 1,05,000 का ही पैकेज है, लेकिन हम लोग चूँकि अलग से पैकेज बना है, कुछ एक दो फैमिली हैं उनका तकाजा था कि हम लोग इस तारीख के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोगों ने एक 35 टिकट्स बुक किए थे सऊदी एयरलाइंस की, तो कुछ सीट्स बच रहे हैं इसके अंदर, 5 सीट्स अवेलेबल हैं अभी, तो इस वजह से हमने इसको 95,000 कम से कम में रखा है। वरना ज़्यादातर हमारे 95 भी है, लाख भी है और 1,05,000 तक भी है। और जैसा आपने बताया कि इसके किसके अंदर जो कम रखे हैं रेट, इसका क्या मसला है, तो 85,000 या 80,000 जो देकर जाएंगे या 75,000 देकर जाएंगे उनकी होटल दूर रहती है, और यहाँ पर लोग कहते हैं कि हम लोग उसको बर्दाश्त कर लेंगे, हम कम पैसे ले लो इसको, हम चले जाएँगे वहाँ पर, हम चलेगा हमको, लेकिन वहाँ जब पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि होटल काफ़ी दूर रहेगी, तो ज़ाहिर निकल में बड़ी दिक्कत होगी। वो फिर वहाँ जाने के बाद कहते हैं कि अगर हम ज़्यादा पैसे देकर करीबी होटल लेते तो बेहतर था। इसलिए बेहतर है कि क्योंकि हर एक तमन्ना रखता है, हर एक मुसलमान हर ईमान वाला तमन्ना रखता है कि हम उमरा करें, हज करें, लेकिन वसायल न रहने की वजह से बेचारे वो जा नहीं पाते। लेकिन वो तो ऐसे लोग भी हैं जो पैसे जमा जमा कर रखते हैं कि जाने की फ़िक्र करते हैं, तो ऐसे अहबाब के लिए क्या है, हम ये पैकेज बनाए खासकर इसके 70,000, 75,000, 80,000 का है, कि बेचारे अगर वहाँ पर होटल दूर जो होटल है उसको रहने को बर्दाश्त कर सकते हैं तो 85,000 में जा सकते हैं वो। और फैसिलिटी तो वही रहेगी, खाना पीना पूरा हैदराबादी रहेगा इंशाल्लाह, और 4 उम्रे भी रहेंगे उसके अंदर, बस होटल से थोड़ी सी दूर रहेगी इंशाल्लाह। जो उलमा इकराम के अक्सर फ़ोन आ रहे थे कि भाई हम जो दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनके लिए क्या पैकेज रहेगा, उसके लिए क्या कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हमारे पास 70 उलमा जुड़े थे कि वो लोग जाना चाह रहे थे, उसमें अक्सरियत हैदराबाद के उलमा की थी, क्योंकि रबी अव्वल के मौके पर इस मदरसे की छुट्टियाँ होती हैं, वो छुट्टियों के अंदर ही जाना चाह रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा सा काफिला तैयार हुआ था। तो हमने उलमा इकराम की खिदमत चूँकि दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो हमने उनकी कुछ मुआवजा ना लेते हुए ज़्यादा और ना कुछ हम इससे कमाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 77 का पैकेज रखा, 70 उलमा इकराम इससे फ़ायदा हासिल कर चुके, सआदत हासिल कर चुके इसके अल्हम्दुलिल्लाह। يا عالم ما في الصدور اخرجني يا الله من الظلمات
الى النور اللهم اني اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربي طنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني واخلف على كل غائبة لي منك بخير اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار और आप लोगों से वादा भी किया था कि हम साथ में रहते हुए इंशाल्लाह चार उम्र हम कराएंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से एक उमरा मस्जिद हराम पहुंचने का हमारा हो चुका था, दूसरा उमरा मस्जिद जौहरना से हुआ, तीसरा उमरा कल दायर से हुआ और चौथा उमरा हम अदा करने के लिए मस्जिद आयशा आए हुए थे। अभी हराम बांधकर हम तौबत नमाज अदा करते हुए हम मस्जिद हराम जा रहे हैं। चौथा उमरा वादा मुताबिक हम करेंगे इंशाल्लाह। नियत कर लें, اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ये मस्जिद आरिश है, बिल्कुल मस्जिद आरिश के पीछे हिस्से में मकाम बदर है जहाँ पर 313 सहाबा और अल्लाह के नबी सल्लम ने कुफार के साथ जंग की थी। ये बिल्कुल वही मैदान है। अब इस पर आप बोर्ड भी लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, देख लीजिए, ये मकाम बदर है पूरा। मदीना मुनव्वरा में है। ये सुबह का नाश्ता है, बकरे के पाए हैं हमारे असलम भाई हैदराबाद के माशाल्लाह। ये और भी नाश्ता, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन नाज़रीन, ये मस्जिद हराम का सहन है, इससे बिल्कुल जैसे बाहर निकलेंगे तो आपको ये अजियाद रोड पे बिल्डिंग दिख रही है, मेरिडियन बिल्डिंग, बिल्कुल में हमारी होटल है ट्रैवल्स वालों की, हमारी होटल है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल 2 से 4 मिनट के अंदर हम अपने होटल को पहुंच सकते हैं, होटल बिल्कुल करीब है अल्हम्दुलिल्लाह। नदा अल ज़ियाफ़ा, सबील अल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलबर्गा की जानिब से आप अगर उमरा जाना चाहते हैं और इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं।
और हमारे साथी मुख्तार अहमद साहब से भी रब्ता कर सकते हैं, जो आज 16 नवंबर जो एक ग्रुप जा रहा था सबिल हरम से, उनको छोड़ने के लिए हैदराबाद एयरपोर्ट गए हुए हों। अभी आज शाम 8 बजे का फ्लाइट था वो इंडिगो, उसको छोड़ने के लिए गए हैं, आज वो नहीं है। और उनके अलावा हमारे मुफ्ती मुश्ताक साहब कासमी, इमाम खतीब मस्जिद शम्स मिज़मान नगर, उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। और स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उससे आप रब्ता कर सकते हैं बुकिंग के लिए, और हमसे इंशाल्लाह एक मर्द मौका दें, ज़रूर हमारी फैसिलिटी और हमारी सहूलियत को देख लेंगे इंशाल्लाह। होटल बिल्कुल करीब है, जो ज़ायरीन इकराम हमारे ग्रुप से जा चुके हैं आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, चूँकि बड़े गुलबर्गा के अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े अहबाब भी हमसे जा चुके हैं, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं कि हमारी फैसिलिटी क्या है और सहूलियत क्या है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।